बड़ी खबर पर सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पटना से ये पूरी कवायद शुरू हुई, बैंगलोर पहुंची और आज मुंबई में ये बैठक होनी है, हालांकि बड़े निर्णय यहां पर लिए जाने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, तमाम नेता कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले होने वाले हैं यहाँ से। और चूंकि एक तस्वीर पहले दिखाऊंगा कि पीछे हयात होटल है, ग्रैंड हयात होटल है, जहाँ हमारे मीडिया के साथी भी हैं और इसी जगह पे ये बैठक होने वाली है, जहाँ लगभग 12 बजे के बाद ज़्यादातर नेता जो है दोपहर में आएंगे। और ये माना जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि एक कन्फर्म जो सबसे बड़ी बात है वो है कि लोगो का लॉन्च होगा। इनका लोगो जो है पूरे अलायंस का कल लॉन्च किया जाएगा, लगभग 11:30 बजे लोगो लॉन्च किया जाएगा। उसको लेकर आज की जो बैठक होगी अनौपचारिक बैठक 6:30 बजे के बाद, उसमें कहीं ना कहीं उस लोगों को मुहर लगाई जाए, उस पर लगाई जाएगी। साथ साथ कुछ थीम सॉन्ग्स, एक या दो थीम सॉन्ग्स जो हैं उस पर भी चर्चा होनी है। और सबसे बड़ी बात कि कन्वेनर होगा या नहीं होगा, बनेगा या नहीं बनेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं उहापोह है कि अगर किसी एक आदमी को कन्वेनर बना दिया जाए तो कोई दूसरा नाराज ना हो जाए। देखिए, गठबंधन चलना है। कल उद्धव ठाकरे ये कहते नजर आए कि हमारे पास पीएम पद के लिए कई चेहरे हैं, चेहरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सहमति क्या एक चेहरे पर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमें भी पता है कि अड़चनें बहुत ज्यादा हैं। नहीं, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्या इंडिया अलायंस दे पाएगा, ये एकदम कहना मुश्किल है। देखिए, इससे पहले जो बैठक थी कर्नाटक में, उसमें मैंने सीताराम येचुरी से बात की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे पास 2004 का फॉर्मूला और 1996 का फॉर्मूला होगा। अगर अलायंस के पास सीटें आती है कि सरकार बना सकते हैं, वैसी स्थिति में मनमोहन सिंह जैसा फॉर्मूला भी हो सकता है और 1996 में देवगौड़ा वाला फॉर्मूला भी हो सकता है कि कोई तीसरा फ्रंट जो है, कोई तीसरी पार्टी, कांग्रेस नहीं कोई दूसरी पार्टी को भी मौका मिल सकता है प्रधानमंत्री पद का। बट ये सब तभी डिपेंड करता है जब सरकार बने, यानी पोस्ट पोल में ही इस बात का तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। फिलहाल कन्वेनर के लिए लड़ाई चल रही है कि कन्वेनर कौन बनेगा। ये हो सकता है कि आज की बैठक में इस पर चर्चा हो, लगभग 2-3 घंटे बैठक होगी, उसके बाद डिनर होगा। तो इस बैठक में कन्वेनर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, क्या चेयरमैन होना चाहिए, कि क्या कमिटीज बना के छोड़ देना चाहिए, कन्वेनर के एक ग्रुप हो जाएगा 10-11 का, उसको बना के छोड़ देना चाहिए, इन सारे मसलों पर आज चर्चा होगी और कल सारे मामलों की घोषणा की जाएगी। सबसे पहले लोगो लॉन्च किया जाएगा 11:30 बजे और उसके बाद 3:30 बजे के बाद बैठक खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा क्या कि कन्वेनर होगा या कन्वेनर को अगले बैठक के लिए टाल दिया गया है, कौन कौन सी कमिटीज बनाई जाएगी, क्या थीम सॉन्ग होंगे, क्या और बाकी चीजें होंगी, किस पे बिल्कुल इस पर मंथन किया जाएगा आज और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।